सबसे पहले सीजन 3 के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि बहुत बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे थे कब आएगा सीजन 3। अब तो आ ही गया है, ट्रेलर हमने देखा, बहुत अमेजिंग। थैंक यू। आप लोगों को कैसा रहा अनुभव सीजन 3 में? कितना कुछ या कुछ अलग देखने को मिलेगा सीजन 3? सीजन 1 में मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। सीजन 2 में इनका बेटा मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। इन्होंने एक्चुअली नहीं मारा, बट काइंड ऑफ आई वाज रिस्पांसिबल फॉर इट। बट द थिंग इज दैट के सेकंड सीजन में एक ऐसे जंक्चर पे कहानी आके खड़ी है जहाँ पे ये दोनों टूट चुके हैं अपने अपने जो कारण है उसकी वजह से। तो इसके आगे कहाँ जाएगी कहानी, तो ये उत्सुकता बहुत है। जब सेकेंड सीजन रिलीज़ हुआ था, बहुत सारे लोगों ने देखा था और तब भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब हमसे रुका नहीं जा रहा, आप कब ला रहे हैं थर्ड सीज़न। तो मेरे ख्याल से नागेश और रोहित जो हमारे नागेश निर्देशक भी हैं और लेखक भी हैं, और रोहित जिन्हें लिखा है उनके साथ, तो उन्होंने जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया है, एक तो अहम सवाल उसमें ये है कि ये जो दोनों हैं जो एक दूसरे के इतने खिलाफ थे दोनों सीजन में, अब इनका रिलेशनशिप कैसे होगा, ये कहाँ जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ, ये जो पर्सनल चीज़ है। और दूसरा है ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स, तो उसमें फिर जो अंदरूनी जो उनके दुश्मन हैं वो तो हैं ही, जैसे ग्रुप हैं, लेकिन फिर और भी दुश्मन इसमें हैं जिनसे इन दोनों को टकराना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरह से जो लोगों को चाहिए था कि ये कहानी वैसे ही उसी रफ्तार से आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि उसी रफ्तार से बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही कहानी दिलचस्प है। प्रिया, आपसे जानना चाहिए, BTS मूवमेंट मैंने बहुत सारे देखे हैं जहाँ डायरेक्टर बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नहीं बस अभी यहाँ पे ये इतना ही काफ़ी है और हमें टेक्स लेने की ज़रूरत नहीं, जहाँ सचिन सर ने भी बोला हमने जितना चाहिए उतना ही लेंगे। कैसा रहा आपका अनुभव जब डायरेक्टर जैसे मिलते हैं जो जिनके साथ कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि फिल्म ईजीली बन सकती है, सीरीज इजीली बन सकती है? आई थिंक नागेश सर के बारे में कहूँ तो वो बहुत प्रिसाइज तो हैं ही, लेकिन वो ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं है कि उनके दिमाग में जो टेक है अगर आप वो कर दे परफॉर्म तो वो रुक जाए। वो कभी कभी वेरिएशंस ट्राई करते हैं कि हम ऐसा हमने किया है लेकिन क्या हम ये ट्राई करके देखें, और ये आपको भी वो मौका देते हैं कि अगर आपको कुछ ऐड करना है, आपको कुछ अलग तरीके से ये टेक करना है। एक सेफ्टी का हमारे दिमाग में जो है वो हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी अलग तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो तो वो ज़रूर मौका देते हैं। एंड आई फील दैट इट इज़ वेरी नाइस बिकॉज इट इज़ वेरी एक्टर्स को सोचना पड़ता है, एक्टर्स को उनके किरदार पर काम करना पड़ता है। एंड एवरी टाइम यू कम एंड वर्क विद नागेश सर, ही मेक्स श्योर दैट ही विल वर्क ऑन दोज एवरी स्मॉल डिटेल ऑफ दैट कैरेक्टर। सो इट्स बीन अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। मुझे ये लगता है कि जो कह रही है प्रिया, इस बार उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पुश किया है अपने आप को और हम लोगों को जहाँ तक वेरिएशंस का सवाल है। तो कुछ तो ऐसे सीन्स रहे हैं जिनमें तो इतने ऑप्शंस उन्होंने करवाए हैं हम लोगों से कि कभी कभी हमें पता नहीं चला भी एडिट में लगेगा क्या। तो और उसके बारे में बात भी हुई थी आपकी एक बार, एंड एक्चुअली आई रिमेम्बर इट इज योर एंड माय सीन। तो ये जो फॉर्मेट है ना, इसका यही मज़ा है कि ये 4 साल से हम लोग ये कर रहे हैं और यही किरदार निभा रहे हैं हम 4 साल से। नागेश सर भी हमारे साथ 4 साल इस पे काम कर रहे हैं, राइटिंग पे, और आपको लोगों का भी फीडबैक मिलता है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस पता चलती हैं आपको, और इन सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। पर्सनल तौर पे भी आपका अनुभव बढ़ रहा है, ज़िंदगी का, तो एज एन एक्टर भी आपका अनुभव बढ़ रहा है। तो इसलिए ये फॉर्मेट बहुत एज एन एक्टर आपको सेटिस्फैक्शन देता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप खुद को पुश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम रियली हैप्पी एज एन एक्टर विद दिस फॉर्मेट।